नमस्कार भैया जी। तो आज हम हमारे छोटे भाई सानू के साथ जाने वाले फोटोशूट पे, तो ये वीडियो उसी बारे में रहेगा। और ये हमारा प्लान बहुत पहले से चल रहा था इस बारे में कि हम कहीं आउटडोर लोकेशन जाएं और हमारे छोटे भाई का वीडियो शूट करें, फोटो शूट करें। तो उन्होंने हमें आज ही सुबह बोला कि भैया चलो चलते हैं वीडियो शूट करें। तो हमने जो है दो तीन दिन पहले ही कहा था उन्होंने, तो हमने आज का डे डिसाइड किया कि हम जा रहे हैं वीडियो शूट करने। तो उसी में हमने सोचा कि ब्लॉग बना लिया जाए, आप लोगों के लिए कंटेंट निकल जाएगा। तो स्वागत है भैया जी आपका आज के ब्लॉग में, वेलकम टू द ब्लॉग। और आपसे मिलते हैं हम लोकेशन में। तो भैया जी हमारे छोटे भाई शानू आ गए हैं, सानू भाई बैग उठा लो जरा, हम गाड़ी चलाएंगे क्योंकि, और हम निकलने के लिए अब तैयार हैं। तो भैया जी मिलते हैं आपको लोकेशन पे, शूट वाली जगह पर। जा तो नीचे अब मेरी बारी। आई डोंट नो आपको वो रेनबो दिख रहा है कि नहीं, पर मुझे तो दिख रहा है। बहुत मस्त पानी का फवारा और रेनबो बन रहा है यहाँ पर। तो भैया जी इस समय हम लोकेशन पर पहुँच गए, ये हमारी लोकेशन है और हम हमारे लोकेशन पर पहुँच गए हैं। और अभी हम यहाँ पर शूट करने वाले हैं इस बैकग्राउंड में जो आप देख रहे हैं हमारे पीछे। तो जस्ट वेट एंड वॉच। तो भैया जी इस समय हमारे सानू भाई और हमारे कार्तिक भाई स्टैंड लगा रहे हैं उसके लिए, लाइट के लिए। तो इस लोकेशन पर परफेक्ट शॉट मिल पाएंगे हमें। और सो हमारे मॉडल भैया रेडी हो चुके हैं फोटोशूट कराने के लिए, और अभी हम यहाँ पे वीडियो और फोटो दोनों लेने वाले हैं। तो Stay tuned.
सीधा ना कैमरा, मतलब दिख रहा है ना एकदम स्टेबल। तो भैया जिस समय हम शूट कर रहे हैं हमारे गिम्बल से हमारे सानू भाई का सिनेमैटिक वीडियो, तो बहुत अच्छा कुछ रिजल्ट आने वाला है, बने रहिए हमारे साथ भैया जी। तो भैया जी यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम में आप फॉलो कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और आने वाले ब्लॉग्स देखने के लिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए मुझे आप सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये कृषि दर्शन जो हमने शूट किया है आपके लिए वो आपको कैसा लगा। यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए बात ख़त्म।